क्या नाम है आपके बच्चे का? प्रणय कुमार। क्या हो गया उसको? उसको पर पांच दिन हो गए हैं, ऑपरेशन हुआ है सिर का, बेल ब्रेड एडमेंट हुआ है। ग्वालियर के डॉक्टर ने छुट्टी करके भगा दिया है, कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। कहां के, कौन से डॉक्टर के इलाज चल रहा है? कौन से डॉक्टर के इलाज चल रहा है? अविनाश गुप्ता का। अविनाश गुप्ता कहां के? अविनाश उपाध्याय है ग्वालियर के। है ये लो पढ़ो पर्चा स्क्रीन पर। बैठ जाओ नीचे, पढ़ने में आ रहा है। डॉक्टर उपाध्याय का इलाज चल रहा है और ये माइंड की नसें शॉर्ट हो चुकी हैं। बचपाना सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ताकत मैं पूरी लगा दूंगा इस बच्चे को ठीक करने में। प्रभु आपकी इच्छा होगी बच्चे को। मेरी बात समझेगा नहीं? और मिस्टर दुपट्टा वाले भैया, आप पीछे जाइए और किसी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, उसका पर्चा ये है। आप परीक्षार्थ आए हैं तो परीक्षा जवाब भी सुनिए। हमने डॉक्टर का नाम लिखा, हमने डॉक्टर का पर्चा लिखा और इसका पहले का इलाज झांसी में चल रहा था। चला था और झांसी के बाद आप लोग ग्वालियर दिखाने पहुंचे। ग्वालियर से भी उन्होंने मतलब भगा दिया कि आप ले जा, कुछ नहीं हो सकता है गुरुजी, क्योंकि दोनों सेल बैठ चुके हैं। किसी को भेज दीजिए, ए पूछा पाछी मत करो, इनको भेजना चाहते हो पंचायत मत सुनाइए कि हमारे दद्दा बीमार है, भेज दो। में आ जाओ मोटे भैया, जाओ तुम्हारे बच्चे को प्रयास करूंगा। आगे मैं इतना ही कह देता हूं कि आपका बच्चा खतरा बना है। गुरुजी कुछ आपने पढ़ाओ में निशान लगा दिया, हमने ये लिखा है, हमने निशान लगा दिया, खतरा बना है। अब ईश्वर मालिक है, मैं ताकत लगाता हूं। गुरुजी उपाय बताइए आप कुछ। उपाय यही है कि हनुमान जी पंडोसकर को कह लो और कह दो ये बच्चा तुम्हारी शरण में रहेगा, हम इससे कोई काम निकालेंगे, तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, बाकी तुम जाओ तुम्हारा काम।